मेरा नाम आशीष प्रकाश और आप सभी का विताल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की कॉमिक स्टोरी द फोर्थ सन ली फॉग द्वारा रचित, साई बेरी द्वारा चित्रांकित, फैंडम संडे स्टोरी नंबर 137 जो अमेरिकन न्यूज़पेपर 18 अगस्त 1991 से 17 मई 1992 के बीच में प्रकाशित हुई थी। भारत में डायमंड कॉमिक्स डाइजेस्ट नंबर 61 जतून खान भाग 1 प्रकाशित हुआ था और डाइजेस्ट नंबर 62 राजकुमारी वाहता भाग 2 प्रकाशित हुआ था। आज की कॉमिक्स मेरे पूर्वज और उनकी पत्नी हेलोइस और उनके बच्चों की कहानी पर आधारित है। हर विताल अपने पिता जैसा ही होता है, लेकिन एक को छोड़कर अधिकतर हमारे परिवार में सभी लंबे ही होते हैं। मेरे पूर्वज आठवें विताल हमारे परिवार में सबसे लंबे थे। बात सन 1700 के समय की है। ठीक मेरी तरह पहली बार उनके दो लड़के हुए, फिर क्या था, तीसरा भी था। जंगल के बौने भंडारों को ही पता है कि विताल दूसरों की तरह एक आम आदमी है। तीन लड़कों की पैदाइश पर सभी ने साथ में मिलकर खुशी बनाई। एक वर्ष बाद मैं चौथे बेटे का पिता भी बना, जो बहुत सुंदर था पर छोटा था। पहले विताल के समय से ही बच्चों का नाम किट रखा जाता था। मेरा बेटा किट पहला, किट दूसरा, किट तीसरा और फिर किट चौथा। मेरे सभी बेटे बड़े हो रहे थे। चौथा अपने बड़े भाइयों की बराबरी करने की कोशिश करता था। जो उसके बड़े भाई खेल खेलते थे वह भी वही खेलना चाहता था, पर छोटा होने के नाते बड़े भाई उसे मना करते थे कि कहीं उसे चोट न लग जाए। मेरी पत्नी हेलोइस ने तीनों को समझाया कि छोटे भाई को अपने साथ खिलाया करो, पर तीनों बोले ये छोटा है कहीं से चोट न लग जाए। कई बार तीनों बड़े उस छोटे को खिलाते हुए उसे अपना खेल का हिस्सा बना लेते थे। लो पकड़ो ये आया। एक बार मैंने तीनों को समझाया कि अपने सबसे छोटे भाई का ध्यान रखा करो, ये कोई खेलने का खिलौना नहीं है। चारों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। घर परिवार में लड़के ऐसे ही बड़े होते हैं। फिर मैंने अपने चारों लड़कों को जंगल के तौर तरीके और हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया। चुपचाप शिकार करना, आत्मसुरक्षा के लिए मार्शल आर्ट सिखाया। वेताल परंपरा का दिन जब बच्चे 12 साल के होते हैं तो वे अपनी माँ के जन्मभूमि जाकर आगे की पढ़ाई करते हैं। मैंने शहरी जीवन के तौर तरीकों से उनको अवगत कराया, जैसे जूते पहनना। चौथा बेटा अपनी माँ से बोला मैं भी जाना चाहता हूँ। हेलोइस ने कहा तुम 12 साल के होगे तब जाना। हेलोइस ने कहा मैं तुम्हें सिखाऊंगी, हम तुम्हें हमारे पास यहीं रखेंगे, फिर तुम्हारे एक भाई तुम पर हुक्म नहीं चलाएंगे। किट बोला पापा मैं आपके जैसा बड़ा और ताकतवर बनूंगा, देख लेना। मैंने उससे कहा मैं तुम्हें इसमें मदद करूंगा। मेरे तीनों बेटों को आगे की पढ़ाई के लिए अलविदा कहा। तुम्हें पता है तुम्हारे पापा कहते हैं लड़के रोते नहीं है। मम्मी मैं रो नहीं रहा हूँ, आंख में कचरा चला गया है। 1715 मेरे तीनों बेटे लंदन पहुंच गए, या फिर लंदन को इनका इंतजार था। मेरे तीनों बेटों के जाने के बाद किट चौथा मेरे साथ बहुत ही खुश था। वह ताकतवर बन रहा था और जल्दी सीख रहा था। मेरा चौथा बेटा किट अपने भाइयों से 1 साल छोटा था, पर शरीर की लंबाई में आधा था। पापा मैं आपके जैसा बड़ा बनूंगा, 1 साल बीत गया था। मैं और हेलोइस किट चौथे के स्कूल भेजने की बात पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन वो हमारी बातें सुन रहा था। वह भी अपने भाइयों के साथ पढ़ेगा, पर वो बहुत छोटा है, दूसरे लड़के उसके साथ बुरा बर्ताव करेंगे, वे उसे नाटा बुलाएंगे। मैंने हेलोइस को समझाया इसके तीनों भाई इसकी देखभाल करेंगे। हेलोइस ने बोला उसे यहीं रख लेते हैं, मैं उसे पढ़ाऊंगी। मैंने बोला नहीं डार्लिंग, उसे जाना होगा। उधर लंदन में देखो ग्लोब थिएटर, पापा ने बताया था याद है। हाँ हमारे पर दादाजी ने यहाँ पर जूलियट का किरदार निभाया था। क्या सच में, मास्टर ने पूछा। सही है सर, क्या नाम था लेखक का? अरे पगले शेक्सपियर था। मास्टर बोला तुम पगले लड़कों पहले जूता पहनना तो सीखो। उधर जंगल में हेलोइस परेशान थी, किट न जाने कहाँ है, अंधेरा होने वाला है, ऐसा वो कभी नहीं करता था। और हम उसे जंगल में चारों तरफ खोजने निकले। मैं एक पगडंडी पर चल पड़ा। उधर जंगल में आगे छोटा किट रोते हुए बोल रहा था मैं अपने बड़े भाइयों के स्कूल में नहीं पढ़ूंगा, मुझे नाटा बोलते हैं,
क्योंकि मैं छोटा हूँ, मैं इसी जंगल में रहूँगा, कंद मूल फल खाकर बड़ा हो जाऊँगा, देखना एक दिन। किट को पता था जब शेर पीछे पड़ जाए तो क्या करना है, लेकिन एक तरफ खाई थी तो दूसरी तरफ कुआ था। उधर दूर लंदन में कुछ लड़के, देखो ये कहता है इसके दादाजी ने शेक्सपियर के साथ नाटक में काम किया था। अरे ये झूठ बोल रहा है, दूसरे लड़के ने बोला। किट पहले ने कहा, तुमने मुझे झूठा कहा? लड़का बोला, वो तो तुम हो ही, बाहर से जो आए हो। इधर जंगल में किट चौथा मुसीबत के समय बचाव की तैयारी कर रहा था। एक छोटा सा प्रयास भागने का, मैं भी वहां पहुंच गया था। भाला नहीं फेंक सकता था क्योंकि किट शेर के बहुत पास था, और मैं अपने बेटे को बचाने के लिए शेर से भिड़ गया। किट रोते हुए बोला, पापा मैं डरा नहीं, मैं रोया भी नहीं, पापा मुझे अपने से दूर मत भेजो। ठीक है मेरे बेटे किट, ऐसा ही होगा। दूर लंदन में, ये देखो तीनों एक जैसे दिख रहे हैं, हम मदद करें क्या किट भैया? नहीं मेरे छोटो, ये मुझे झूठा बोल रहे थे। फिर क्या था, किट पहले ने तीन बदमाश लड़कों को धूल चटा दी थी। इधर बिहड़ मर में चौथा किट बड़ा होने के सारे जतन कर रहा था। जोर से खींचो, और मैं उसे देखकर खुश हो रहा था। किट अपने भाइयों से सिर्फ एक साल छोटा था, पर शरीर की लंबाई उसकी आधी थी। पापा देखो मैं लंबा हो गया हूँ, मैंने कहा हाँ बेटा तुम लंबे हो रहे हो। किट छोटा जरूर था पर तलवारबाजी में माहिर हो रहा था और उसके निशाने अचूक थे। 6 साल बीत गए, किट छोटा बहुत मेहनत कर रहा था, ताकत में, दौड़ने में, तैरने में और वजन उठाने में तो पूरे जंगल में सबसे आगे था। तुम्हारे तीनों बड़े भाई घर वापस आ रहे हैं किट। इधर दूर लंदन में तीनों छोटों से बड़े हो रहे थे, जैसे एक सभ्य आदमी की तरह जूता पहनना सीख रहे थे। आज वे भी जवान आदमी बन गए थे, परंतु उन्हें आज भी जूते पहनना पसंद नहीं थे, बस घर जाने की जल्दी थी। किट पहला तलवारबाजी में चैंपियन था। लोग उससे पूछते थे, किससे सीखी है तलवारबाजी? मेरे पिता ने सिखाई। किट दूसरा ब्रिटिश बॉक्सिंग चैंपियन को हराता है। तुमने इतनी अच्छी मुक्केबाजी कहाँ से सीखी? मेरे पिता ने सिखाई। किट तीसरा ऑक्सफोर्ड में मार्शल आर्ट का एशियन मास्टर को हराता है। तुमने कहाँ से सीखा? मेरे पिता ने सिखाई। आखिरकार घर बंगाला तीनों भाई पहुंच गए, बिहड़ वन का गुप्त प्रवेश द्वार। अब अपने जूते उतार देते हैं, 7 सालों से पहन रखे हैं, और वेताल के परिवार मिलन पर खुशी मनाई जा रही थी। तीनों ने लंदन की आप बीती बातें सुनाई। पापा मैंने फ्रेंच तलवारबाज मास्टर को हराया, पापा मैंने मुक्केबाजी में ब्रिटिश चैंपियन को हराया, पापा मैंने ऑक्सफोर्ड में पढ़ते हुए एशियन मास्टर को हराया। जब तीनों भाइयों को कुछ खेल खेलने की सूझी, जिसमें वे छोटे किट को भी खेलने का बोलते हैं, मैंने किट पहले से कहा, तुम अपनी फ्रेंच तलवारबाजी प्रतियोगिता के दो दो हाथ किट चौथे के साथ क्यों नहीं अजमाते? पर पापा यह बहुत छोटा है, किट पहला बोला। क्या बात है, ये किसने सिखाया तुम्हें? हमारे पापा ने। ये किसने सिखाया तुम्हें? हमारे पापा ने। अरे बाप रे, ये भी तुमने क्या हमारे पापा से सीखा? बिल्कुल सही मेरे भाई। और तीनों बड़े भाइयों ने छोटे किट को कंधे पर बिठा लिया। हमारा छोटा भाई सबका चैंपियन, हुर्रे। एक दिन, पापा हम जाना चाहते हैं, हमें लंदन जाने वाले जहाज पर जाना होगा। हेलोइस बोली, यहाँ से जाना चाहती हो? क्यों बेटा किट? मेरे बेटे क्यों जाना चाहते हो? मैंने कहा, ये तुम्हारा घर है। किट पहला बोला, माँ हम जाना चाहते हैं, यह हमेशा हमारा घर रहेगा, परंतु हमें अपना भविष्य दूसरे क्षेत्र में बनाना चाहते हैं, जैसे पापा ने अपना चुना है। तीनों बेटों ने कहा, पापा मैं रॉयल नेवी में जाऊंगा, और पापा मैं रॉयल आर्मी में, पापा मैं ऑक्सफोर्ड में जंगल की दुनिया को पढ़ाऊंगा। पापा हमें पता है हमारी परंपरा। जब आप, मैंने कहा, जब मैं नहीं रहूंगा? किट दूसरे ने कहा, जी पापा, आपका बेटा आपकी जगह लेगा, वेताल बनेगा। मैंने कहा, किट पहले तुम तीनों भाइयों में सबसे बड़े हो, पर पापा मैं यहाँ नहीं रुक सकता, और मैं इंतज़ार करूँ कि आप मरे, मतलब मौत का इंतज़ार? आपने हमें पढ़ाया लिखाया, दुनिया बहुत बड़ी है पापा, और अभी आपकी उम्र भी नहीं हुई है,
और आप कई और सालों तक हमारे बीच में रहोगे, ये मैं आशा करता हूँ। मैंने उसे जवाब दिया, मैं समझ रहा हूँ बेटा तुम्हारी बातें, हम आपको प्यार करते हैं, आपकी याद आएगी और हम हर दो साल में घर वापस आएंगे, ये हम आपको वचन देते हैं। मम्मी पापा, मेरे छोटे भाई, अलविदा। क्या अब हम उन्हें दोबारा नहीं देख पाएंगे? हेलोइस रुआसा हो गई। मैंने समझाया उसे, वे आएंगे, उन्होंने वचन दिया है। फिर तीनों ने अपना अपना कैरियर चुना, ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटिश नेवी में किट पहला और किट दूसरा। किट तीसरा ऑक्सफोर्ड में अफ्रीका एशिया का इतिहास पढ़ाने लगा। इधर जंगल में, मम्मी मैं अपने पापा और भाइयों की तरफ बड़ा और ताकतवर बनना चाहता हूँ। हेलोइस ने उसे समझाया, बेटा किट तुम लंबे नहीं हो सकते हो, पर तुम ताकतवर जरूर हो, बड़ा होना है, ताकतवर बनना है। और फिर किट वो सब कुछ करने लगा जिससे वो बड़ा और ताकतवर बने, हर दिन, हर महीने, साल लगातार। उसी दौरान जंगल में एक नया खतरा, जैतून खान मंगोल योद्धाओं के रूप में पहुंच गए थे। 13वीं सदी में तकरीबन पूरी दुनिया पर मंगोल योद्धाओं ने विजय प्राप्त करी थी, जिसका महान शासक चंगेज खान था। तकरीबन 500 सालों के बाद 18वीं सदी में उसके बचे हुए हिस्से पर शासन करता था उसका एक वंशज जैतून खान, जो हमेशा कहा करता था, मेरे पूर्वज ने एक छोटे से गांव से शुरुआत करके दुनिया पर कब्जा किया, मैं क्यों नहीं कर सकता। उसने अपनी सेना की टुकड़ी को रहस्यमय पहाड़ों के उस पार हमारे जंगलों में भेजा। उन्होंने पूरी जगह का मुआयना किया। लौटकर वे बोले, मालिक, समृद्धि, संपन्न, जमीन, जानवर, लोग भरपूर है पूरे जंगल में। जैतून खान बोला, वहाँ के लोगों को गुलाम बनाकर मेरे साम्राज्य को बड़ा बनाऊँगा। और उसके मंगोल योद्धाओं ने जंगल के लोगों को गुलाम बनाना शुरू किया। यह समाचार पूरे जंगल में नगाड़ों ने फैला दिया, घुड़सवार लोगों को पकड़ रहे हैं, मदद चाहिए वेताल। मंगोल योद्धाओं जंगलों में से जवान आदमी औरतों को कैद करने लगे ताकि उन लोगों से गुलामी कराई जा सके। पीछे छूट गया उनका तबाह गांव। नगाड़ों में छुपा संदेश बिहड़ वन तक पहुंच गया, वेताल मदद करो, घुड़सवार हमें मार रहे हैं। यह संदेश सुनकर मैं मदद को निकलने लगा। तभी किट चौथे ने कहा, पापा मुझे भी साथ ले चलो। मैंने उसे जवाब दिया, नहीं बेटा किट, तुम यहाँ रुककर माँ की देखभाल करो। मैं तुरंत घोड़े की चाल सा वहाँ से निकल पड़ा। चलता फिरता प्रेत वे उधर गए हैं। उधर रहस्यमय पहाड़ियों के उस पार जंगल से पकड़े गए लोगों को मंगोल के योद्धा लेके जा रहे थे। मंगोल की वर्तमान राजधानी वहातून तहातून, जैतून खान का दरबार। मालिक, हम गुलाम लाए हैं जो हमारे शहर बसाएंगे, ऐसे हजारों हैं वहाँ जंगल में। जैतून खान ने कहा, शाबाश मेरे योद्धाओं। जैतून खान हमेशा से एक बेटे की चाह रखता था, लेकिन उसे एक 6 फुट लंबी ताकतवर लड़की मिली, जिसे हमेशा से योद्धाओं के आदमियों द्वारा खेले जाने वाले खेल पसंद थे और वह उन आदमियों को उन्हीं के खेल में हराती थी। एक दिन जैतून खान ने कहा, वहाता अगर तुम इसी प्रकार सभी को हराती रही तो तुम अपना शौहर किसे बनाओगी? वहाता ने कहा, मेरे लिए ऐसा शौहर ढूंढो जो मुझे हरा पाए। इधर रहस्यमय पहाड़ों के उस पार निकलते ही मुझे मंगलों का शहर वहातून दहातून दिखा, जहाँ पर जंगल से लाए गए जवान आदमी औरतों को गुलाम बनाकर रखा था। उधर जंगल में, पापा मुझे अपने साथ मंगोलों से लड़ने के लिए क्यों नहीं ले गए? हेलोइस ने उसे समझाया, ये खतरनाक मिशन है, वे तुम्हारी सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। किट, ये बात हमेशा ध्यान रखना जो उन्होंने अपने पूर्वजों से सीखी, वेताल हमेशा अकेले काम करता है। ठीक है माँ। किट मनी मन सोचने लगा, यह वादा क्यों याद रखूं? अगर अगला वेताल बनने का समय आया तो मेरे 3 बड़े भाई हैं, वे पहले बनेंगे, और मैं ये सब क्यों सोच रहा हूँ? मैं अगला वेताल नहीं बनना चाहता, मैं तो चाहता हूँ मेरे पापा हमेशा मेरे साथ रहें। इधर मैं पूरी मंगोल सेना से नहीं लड़ सकता था। मुझे मेरे पापा ने कहा था, जब कोई बड़ी समस्या सामने हो तो सबसे पहले समस्या की जड़ तक पहुँचो। ये ठीक वैसी ही समस्या है। मैं शहर के दरवाजे पर पहुँचकर पहरेदारों से बोला, मुझे अपने महान शासक खान के पास ले चलो। क्या कहा तुमने बदमाश? पहरेदार ने मुझसे पूछा। मैंने जवाब दिया, महान खान से बात करने की इच्छा है। दूसरा पहरेदार हंसते हुए बोला, हमने सही सुना,
वे सभी हंसने लगे। इसकी इच्छा है बात करने की? बदमाश, तुम महान खान से बात करना चाहते हो, लेकिन कैसे जब तुम्हारा सर ही नहीं रहेगा? तलवार के वार से बचते हुए मैंने उसका मुंह तोड़ दिया। जब यह सब हो रहा था तो जतून खान की बेटी वहां पहुंच गई। मैंने सबको ढेर कर दिया था। यह आपके पिता से मिलना चाहते हैं, राजकुमारी वाहता। तुम अच्छा लड़ते हो ना कापोश, तुम कितने साल के हो? मैंने कहा 42। 18 साल की लड़की वाहता अपने लिए शौहर ढूंढ रही थी। तुम्हारी उम्र ज़्यादा है, बुरा हुआ, इसे मेरे पिता के पास ले जाओ। मंगलों का शहर, तुम किस बारे में बात करना चाहते हो? मैंने कहा यह सिर्फ महान जतून खान के लिए है। पहरेदार बोलने लगे, यह मरने से पहले महान खान से बात करना चाहता है, जल्दी बात ख़त्म कर देना, महान खान को लंबी बात पसंद नहीं है। मंगोल शासक जतून खान का दरबार, कौन है आदमी जो मुझसे बात करना चाहता है? वाहता ने बताया, पापा ये बदमाश नकाबपोश शक्तिशाली है। सिपाही ने मुझसे कहा, महान खान के सामने घुटने पर बैठो। मैंने कहा, मैं अपने घुटने अपने परमेश्वर के सामने टेकता हूँ, किसी आदमी के सामने नहीं। तुम बहादुर हो बदमाश, कौन हो तुम? खान ने मुझसे पूछा। मैंने जवाब दिया, मैं बदमाश नहीं हूँ, लोग मुझे वेताल कहते हैं। मैं यहाँ जंगल में पकड़ कर लाए लोगों की बात करने आया हूँ। तुम्हारे योद्धाओं ने हजारों को मार डाला, गांव जला डाले, हजारों को पकड़ कर लाए हैं। उन्हीं के मुखियाओं ने मुझे बात करने के लिए भेजा है। वे चाहते हैं ये सब शैतानी काम बंद हो और जो गांव से पकड़ कर लोग लाए हो उन्हें छोड़ दो। जतून खान बोला, और कुछ बदमाश? वेताल नाम है ना तुम्हारा? मैंने जवाब दिया, हाँ, जो गांव तुम लोगों ने तबाह किए उसके बदले में सोना देना होगा। सुना तुम लोगों ने? बोलकर जतून खान हंसने लगा। मैंने बोला, तुम्हारा क्या जवाब है? महान खान, लोगों को छोड़ दो और नुकसान की भरपाई करो। महान खान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूँ, नकाबपोश आदमी? मैंने जवाब दिया, जो सही है वही कहा, तुम देने से इनकार कर रहे हो। खान बोला, तुम बहादुर हो और मूर्ख हो। मैंने जवाब दिया, तुमने मेरे अनुरोध को अस्वीकार किया है, मैं अपने इस दावे के लिए तुम्हें चुनौती देने का अधिकार रखता हूँ। खान बोला, किसके विरुद्ध बहादुर मूर्ख आदमी? मैंने जवाब दिया, तुम्हारे विरुद्ध या तुम्हारे सबसे महान योद्धा के विरुद्ध। खान चिल्लाया, वाहता इसे मार डालो। ये क्या मजाक है पापा, मुझे ये अस्वीकार्य है, वाहता ने जवाब दिया। मैंने भी कहा, मैं किसी औरत से नहीं लड़ सकता। खान चिल्लाया, मैं इस सबसे थक चुका हूँ, इसे चुप कराओ और लटका दो। तभी एक सैनिक ने मेरी पीठ में तीर मार दिया और मैं वहाँ से तुरंत निकल पड़ा। खान ने सिपाहियों को बोला, यह बहादुर आदमी है, इसे जाने दो, एक घंटे में यह वैसे ही मर जाएगा। बहादुर आदमी लेकिन मूर्ख, जाने दो उसे, वो घोड़े पर बैठे ही बैठे मर जाएगा। मुझे किसी ने रोकने का प्रयास नहीं किया और मैं पीठ में घेरे धसे तीर के साथ मंगलों के शहर से निकल आया। अगर मैं इस तीर को निकालूंगा तो और ज़्यादा खून बहेगा, इससे अच्छा है कि मैं इसे ऐसे ही रहने देता हूँ। और फिर मैं पहाड़ों, घने जंगल के बाद गुप्त प्रवेश द्वार से खोपड़ी नुमा गुफा तक पहुँच गया। इस तीर की वजह से मैं मरने वाला हूँ, मेरा अंत आ गया है मेरे बेटे किट। यह था पहला भाग। अगले भाग में आप इसका रहस्य जानेंगे कि कौन अगला वेताल बनेगा। आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वेताल की इसी प्रकार की रोमांचक रहस्यमय गाथाओं को देखने और सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर करें। सभी को चलता फिरता प्रेत।